करो। सही बात, उस समय जाकर अगर पीठ निकाल करके भागेगा उसके बाप पर तिलाक है। तुम तैयार हो जाओ। कागन, ये कागना बहन सोना की हाथ का है, शायद ये उदल नहीं, ये छल करके बहन सोना आज भैया सर काटने के लिए तार हो चुकी है। बहन सोना कहां से पहचान लीजिए कौन है। भैया यही बहनिया है, आज तुम्हारे तमन्ना है कि भाई सुबह इंद्र को मैंने सर को काटो। हाँ, आप नहीं ये सोचते थे जब अपने शौक के लिए बेहाल है, बहन को शौक में आप आग उठा के रखते हैं, बोलते हैं तो शर्म नहीं होता। सोना, खैर तुम्हें आत्मा पूरी जरूर मैं करूंगा, तू इच्छा भर जो चाहेगी वही होगा। इच्छा भर मैं खून पीऊंगी इसके। भैया सामना सा हो मारा Yeah।
निवासी श्रीमान जी 51 रुपया से कदर किया है। हे बाबा बजरंगबली, उन श्रीमान जी को कायम और करके रखना, रोजी में बरकत देना। बहन सोना, कैसे नहीं काटेंगे? रुदल मौका बना इसलिए अपने प्रतिष्ठा के लिए, जान बचाने के लिए। मैं जानता हूं महाभारत में द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत नहीं होता। यादव दल की कहानी है, अगर सची मां दयालु नहीं होती तो यादव दल का कहानी नहीं होता। ये ललसा पूरा ले पहनी भैया की शादी को लटारम छोड़ो, बराती को लो, वहां बैठा है घोड़ा से तैयार करो और देश मोहब्बत चलो। देवर जी किसी बोलो कहां चलो? अब शादी नहीं होगा, शादी ना होगा, मोहब्बत मोहब्बत नहीं जाएंगे तो क्या? आप ये समझिए मिलन, मिलन जी एक बात आप समझिए, थोड़ा ऐसा मेरा प्राप्त नहीं हुआ, एक ठोप सिंदूर की कारण ये भाई सहोदरा को नहीं बुझा, ये राज मोहब्बा में जाएगी, दो भाई हमें ये बड़े भाभी रहेगी, दोनों में टकरार होगा, किसको भी कत्ल कर सकती है, तो ये ऐसा नारी काहे मोहब्बा में जाएगी? मैं शादी भैया को नहीं करूंगा।
रखी, मेरी मौज का शान रखी है तुम। हाँ, तुम अपने श्रृंगार के लिए तुम अपने भाई नहीं को देवर जी। तुम अपनी शौक के कारण में स्वाई इंद्र को सर काटी है। नहीं देवर जी, थोड़ा ऐसा शर्म नहीं हुआ कि आज मेरी कोई ऐसा दुनिया में अपने बहन यदि भाई को कत्ल कर दे तो उसको लोग अच्छा कहेगा? देवर जी, आपको पगड़ी की लाज रखी, मौत की शान की लाज रखी, मैं अपने भाई सहोदर की काटी। कल मेरे मोहब्बा में जाएगी या कहीं हमसे टकरार होगा तब क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मिलन, यहाँ की बात है, यहाँ सोना है अपनी मुंह से कबूल करे कि ये दोनों का साथ कितनों टकरार हो लेकिन दोनों पर कत्ल की छुरी नहीं चलना चाहिए। नहा कि इसको बधाई बजाता है, यहाँ जान जा रहा है, यहाँ सामान के लिए मर रहा है लोग, यहाँ इनको काम के लिए मर रहा है कि काम कैसा ही घटिया किया सो नहीं समझाते साला। समझते, आप नहीं समझते, हमने समझते हैं। हाँ, कैसे? इसलिए महाराज सोचने की बात है। क्या? आपको चौतेश्वर कटाया है, आपको चरण में गिर गया है, आप उनको चरण में गिर गई है तो आपको इज्जत समान किया है, अगर उनको छोड़ देते हैं तो आप नरक सरक कहीं नहीं बासोगे। इसलिए शायद गाय की हत्या की गया तब एक नारी की हत्या की गया तब दोनों पापे के तरह से घर सीधा, एक सिंदूर के कारण अपना भाई के सर जुदा किया है, विजय उनको हाथ था, विजय आपको हाथ नहीं था। इसलिए जब रावण को मारा तो रामे मारा, लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, अंगद भी थे, सुग्रीव थे, जामवंत थे, किसी से नहीं हुए, वो हुआ तो रामे से हुआ। इस जगह उनको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कहना है कि यहाँ का विजय सोना के हाथ से हुआ, हाथ से हुआ। उदल का राज मोहब्बा के शान बचाई है, मोहब्बा के शान बताई है, देश नैना से जाएगी देश मोहब्बा में, मोहब्बा का सम्राट नारी होगी, ये मोहब्बा में जानते थे। 29 जादो हर किला में है, 30वां जादो कोई किला में नहीं है, कुमारी सोना जान रही है। मिलन जी, जानने के लिए बात नहीं है, अग्रिम की फैसला हो जाना चाहिए जी। और कहाँ होना चाहिए? इस बम भोला को मंदिर में होना चाहिए। ठीक है कि आज दिनों की बात सोना मोहब्बा में जाएगी जी, दोनों का प्यार मोहब्बत तो इतना ही रहना चाहिए। चाहे आप कुछ कह दीजिए, हाँ चाहे आपको कुछ कह दे, उस बात को और भीतरी वाला बात आप न करे के माने भीतरी वाला बात मुझे ची की ना। मैं समझ गए तुम्हारा, हमारे कहानी के लिए तुम समझा रहे हो मिलन, हम अग्रिम के बात है। हाँ, भाई भाई में बंटवारा कहीं हो जाएगा, उस दिन ही त्यागा चलाएगी तो क्या होगा? महाराज रामायण की अभी जो देख रहे हैं, रामायण का डिस्ट्रा जो महाभारत में हुआ है रामायण में हुआ सेम अभी हो रहा है। जिस समय में अहिल्या को श्राप दिया तो रामचंद्र जी के पैर से फिर मनुष्य, इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक है भाभी सोना, तुम्हारे साथ मैं कबूल करता हूँ कि यदि तुम मोहब्बा की शान बचाई तो तुम्हारे साथ मैं भी वादा कर रहा हूँ, दुनिया बदल जाएगा लेकिन तुम्हारे नाम पर उदल नहीं बदल सकता। ठीक है देवर जी, ये साकी बम भोला है, आगे में समाज है, यदि ये बात की पहलू पर तुम अपने कलेजा में पुष्टि ही रखेगी कभी उदल तुम्हारे साथ पलटी नहीं मार सकता है। जे तुम कहेगी उदल हर समय में तैयार रहेगा। देवर जी, पूरे समाज की नजर के सामने मैं कसम खाता हूँ, सामने बजरंग बली है, पूरे समाज बैठे हैं, सबको सब है, मैं कसम खा के कह रही है दोनों आदमी में कुछ भी हो जाएंगे ऐसा धंधा ना हो पाए, लेकिन प्रेम बरकरार रहना चाहिए। प्रेम बरकरार रहेंगे जब तक दोनों आदमी का जिंदा रहेंगे तब तक प्रेम बरकरार रहेंगे। बोले के ढंगे ना, हम तो अहलल पछाड़ी से इतने जोर लगे जिसे हमरा करे दा फटे पछाड़ी से पछाड़ी
पछाड़ी से ना तो कथि से आय हम ना जत जत मार हमरा ढंग न होत अकिल के ना भ गेल पछाड़ी से कह हां कहां कह छी ई बात ना खुल के ई बात यहां के अहिरा ना चाहिए ए बात मोहब्बत में नहीं जाना चाहिए आप कह दीजिए हम कह से हमर बेटा अरे वहां कुछ नहीं करना चाहिए कि उदल सोना बनाया सोना उदल बना ये सब नहीं कहना चाहिए और कभी हमको दोनों में झगड़ा होना होगा तो ये ना कहिएगा कि हमारे डांड के साड़ियां पहने ये मैं नहीं कभी कह सकती ये बात के हमारे लिए ख्याल करो नहीं तो वीर का पैद भी कमी हो जाएगा ना मैं कहूंगी देवरची नहीं कहेगी ना, ना। सारा समैया एक वक्त बरकरार रहेगा ना देवरची सारा समैया बरकरार रहेंगे प्रेम चला चमैया जार लगे तो की होती महारानी जी ठंडा लगे यहाँ की हाँ अरे जार की तो कहता ठंडा की तो कहता रे हमरा तक गौरव फूक दे लगा अरे चलो अब यहाँ समाज से अपील है कि हम लोग जो लड़ाई को शुरू किए उसको संपन्न कर दिए यदि आप लोग का देखना है तो रिकॉर्डिंग में आई आप लोग का सामने एक आध घंटा अभी चलेगा चाहे 10 मिनट आप देख लीजिए ना होगा दूगो एगो अब यहाँ से हमारे कार्यक्रम शुरू जो था वो संपन्न हुआ आज की रात आप लोग आएंगे अधिक संख्या में अभी 2 रात मेरा बाकी है और से विस्तार करने के साथ आप लोग के साथ एक कदम मिलाकर के आप लोग के साथ बढ़िया ऐसा खेल आप लोग का फिर भी दिखाएंगे सारी रात समय यही बीत जाएगा जय हरे साथ खेलो भाई का आवाज रहेगा और इसी समय से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस समय से इसी पर रह गए कौन राजेश कुमार नारायणपुर निवासी श्रीमान जी 51 रुपया से कदर किया है हे बाबा बजरंगबली राजेश कुमार जी को काया अमर करके रखना बेटा को आवाज करके रखना रोजी में बरकत देना जय माँ दुर्गा जय माँ भवानी जय बजरंगबली जय बाबा बप्पू आओ पहले जलाना है
कौन है।